मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग का मतलब ये है कि ये एक कॉस्टिंग होता है एक प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो डिफरेंट लेयर, मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज़ किया गया है. मल्टीपल मतलब मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग. मल्टीपल कॉस्टिंग का डेफिनेशन उस वर्ड में ये है, यानी कि देखिए मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट इज द मल्टीपल कॉस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल लाइक मोटर कार, मोटर कार का फर्स्ट होता है फर्स्ट उसका पेयर पार्ट सब एक साथ बनाना, फिर मैकेनिकल कॉस्टिंग मैन लेबर का वो यानी जो आदमी करते हैं उसका कॉस्टिंग होता है, फिर उसके बाद उसके बॉडी का एक और बॉडी बनाने के लिए उनका आउटर पार्ट बनाने के लिए और एक और कॉस्टिंग होता है, फाइनली उसकी पेंटिंग वो एक दूसरी लेवल में होना चाहिए वो भी एक कॉस्टिंग है. यानी कि मोर देन एक तरह से ज़्यादा, मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज नॉन एज द मल्टीपल कॉस्टिंग एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो नॉन एज द कॉम्पोजिट कॉस्टिंग. क्योंकि एक से ज़्यादा तरह के कॉस्टिंग जब हम अप्लाई करते हैं उसे मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं. फिर होता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मतलब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज द कॉमन वेस्टर्न. अगर एक इंडस्ट्री सेम तरह की कॉस्टिंग यूज़ करते हैं तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक एक कंपनी प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट ए, तो वो प्रोडक्ट ए को सिर्फ एक तरह के ही कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं, कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं, तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं. यूनिफॉर्म मतलब सिर्फ एक तरह के मेथड सभी इंडस्ट्रीज यूज़ करते हैं तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं. यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में मेन टू प्रोसेस है, वो कि मेन टू तरह की कॉस्टिंग है, यानी कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग. यानी कि अगर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग का दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो तो वो दो होगा, यानी कि वो है जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग. तब आप पूछेंगे कि ये बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, वो सब इस सब का सब डिविशन है, इस सब का सब डिविशन है. तो मेरे दोस्तों मैंने यहाँ सिर्फ डिस्कस किया है सबसे ज़्यादा वो जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग और फाइनली यूनिफॉर्म कॉस्टिंग. सबसे दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन वो है जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब इफ यू फाइंड वर्थ इट.